नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, चैप्टर नंबर 5 पोजेशन नाउन। राइट, सो हियर यू कैन सी दैट ऑन द पेज नंबर 2121 हियर यू कैन सी दैट द पिक्चर। जीटी एंड पोस्ट मीट एन एलियन फैमिली ऑन मार्स। राइट, तो मैंने आपको पिक्चर दिखाया, उसमें जीटी और पोस्ट दोनों एलियन फैमिली से मिलने गए हैं। कहां पे मिलने गए हैं? ऑन मार्स यानी ग्रह पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी दैट द कोड वर्ड यूज इन द पिक्चर के आर डी एक्स एंड एल रिटन ऑन द क्लोथिस ऑफ एलियन। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोजेशन नाउन? एन एपोस्ट्रोफी एस, हियर यू कैन सी दैट द साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी राइट इज यूज्ड टू शो पोजेशन और बिलोंगिंग। कुछ चीजें किसकी है वो दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। राइट, हियर यू कैन सी दैट सम एग्जाम्पल ऑफ पोजेशन नाउन। राइट, सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफिस। ऑफिस किसकी है? प्रिंसिपल्स। राइट, सो हियर यू कैन सी दैट एपोस्ट्रोफी एस शाइन प्रिंसिपल्स ऑफिस। नंबर टू, मैनेजर्स कार। राइट, सो कार किसकी है? हु इज द ओनर ऑफ दिस कार? यस, मैनेजर। तो यहां पे एपोस्ट्रोफी एस। स्टूडेंट्स साइकिल, हु इज द ओनर ऑफ द साइकिल? स्टूडेंट। राइट, तो स्टूडेंट के पीछे एपोस्ट्रोफी एस लगा है। सो हियर यू कैन सी दैट द डेफिनेशन ऑफ एंड यूज ऑफ पोजेशन और एपोस्ट्रोफी एंड सम एग्जांपल आर गिवन इन दिस वीडियो। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए के ऊपर देखो एक एग्जांपल दिया गया है। दीज इज ज़ेनोस फैमिली। किसकी फैमिली है? ज़ेनोस। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट ओनर ऑफ द फैमिली कौन है? ज़ेनो। ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज ए। हियर यू कैन सी दैट ऑन द पेज नंबर 21 ज़ेनोस फैमिली। राइट, सो हियर वन डायलॉग आर गिवन इन अवर ग्रामर बुक। लुक एट द पिक्चर एंड ट्राई टू फिल इन द ब्लैंक। मैं ये पिक्चर को देख के ये ब्लैंक्स जो दी गई है उसको कंप्लीट करना है। राइट, सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज ज़ेनो। ज़ेनो क्या कह रहा है? हेलो, माय नेम इज ज़ेनो, दिस इज अवर फैमिली। मेरा नाम ज़ेनो है और ये मेरी फैमिली है। द नेक्स्ट वन इज रेनो। रेनो सेड दैट आई एम रेनो, आई एम ब्लैंक्स फादर। तो ज़ेनो की फैमिली है तो फादर किसका होगा? ऑफ कोर्स ज़ेनो। दिस इज ज़ेनो माय वाइफ। ये यू कैन सी दैट ज़ेनो उसका फैमिली चार्ट है। राइट, चार्ट ऑफ ज़ेनोस फैमिली। ज़ेनोस फादर्स नेम मींस रेनो, रेनोस वाइफ इट मींस ज़ेनोस मदर। राइट, पोस्ट सेज हेलो डेनो, यू मस्ट बी ब्लैंक्स मदर। तो ये फादर रेनो, उसकी वाइफ इट मींस टू मदर, बट किसकी मदर? ज़ेनोस मदर। व्हाट इज द नेम ऑफ ज़ेनोस मदर? डेनो। राइट, रेनो एंड डेनो आर हस्बैंड वाइफ। ओके, सो ब्लैंक इज यू मस्ट बी ब्लैंक मदर, इट मींस टू ज़ेनोस मदर। राइट, नेक्स्ट वन इज डेनो, दैट इज करेक्ट। मीट माई ब्रदर डीनो। ये यू कैन सी दैट डेनो, ब्रदर ऑफ डेनो, उसको क्या बोलते हैं? अभी आएगा, देखो। जीटी सेज हेलो डीनो,
सो आर यू ब्लेंस अंकल, तो क्या आप उनके मामा हो? मम्मी के भाई, राइट? हमारे मम्मी के भाई कौन होते हैं? मामा। सो हियर यू कैन सी दैट ब्रदर ऑफ लीनो, इट मींस अंकल, मामा, उसका नाम लीनो, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट अंकल, अंकल को तो हम चाचा बुलाते हैं, तो इंग्लिश में अंकल इट मींस मामा, चाचा, फुआ, मासा, सबको हम अंकल बुला सकते हैं, ओके? सो हियर यू कैन सी दैट फर्स्ट वन इज ज़ेनोस फादर लीनो, हिज वाइफ लीनो, इट मींस ज़ेनोस मदर, ब्रदर ऑफ लीनो, इट मींस मम्मी का भाई, उसे हम मामा बुलाएंगे लेकिन इंग्लिश में अंकल। व्हाट इज द नेम ऑफ अंकल ऑफ ज़ेनोस? लीनो, राइट? नेक्स्ट वन इज लीनो सेज आई एम लीनो, मीट लीनो माय मदर, अभी मामा के मम्मी, मामा के मम्मी, इट मींस कीनो सेज आई एम डेनोस मदर टू, मैं डेनो की भी मम्मी हूँ, लीनो की भी मम्मी हूँ, अभी मम्मी और मामा उन दोनों के भी मम्मी, यानी उनके मदर, हमारे क्या हुए? ग्रैंड मदर, इट मीन्स ज़ेनोस ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मीन्स नानी, जैसे अंकल को हिंदी में चाचा, मामा, फुआ, मासा बुलाते हैं, ऐसे ग्रैंड मदर को नानी भी बुला सकते हैं, ग्रैंड फादर को नाना भी बुला सकते हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी दैट जीजी सेज इन ज़ेनोस ग्रैंड मदर, ये तीनों किसकी मम्मी हुई? डेनो एंड लीनोस मदर एंड ज़ेनोस ग्रैंड मदर, ओके? तो यहाँ पे हमने थ्री वर्ड्स न्यू सीखे, अंकल को हिंदी में मामा, मासा, फुआ भी बुलाते हैं, ग्रैंड मदर को दादी और नानी दोनों, एंड ग्रैंड फादर को दादा और नाना दोनों बुलाते हैं। ज़ेनो सेज वेल डन जीटी, अर्थ पीपल आर रियली स्मार्ट, जो अर्थ पीपल है, जो एलियन है, वो रियली स्मार्ट होते हैं, राइट? सो ये यू कैन सी दैट एक्सरसाइज ए हैड कंप्लीटेड। टर्न द पेज एंड द रूल नंबर वन इज वी एड एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर अ नाउन टू शो पोजेशन और टू से समवन और समथिंग बिलोंग्स टू समवन, इट मींस हम एपोस्ट्रोफी एस कहां ऐड करेंगे? तो नाउन के पीछे। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड थिंग, ओके? सो हियर यू कैन सी दैट थ्री एग्जांपल आर गिवन इन अवर ग्रामर बुक ऑन पेज नंबर 22। फर्स्ट वन इज डेनोस, डेनो इज फादर ऑफ एक्सो, फादर किसका है? एक्सो का। सो हियर यू कैन सी दैट द आंसर इज एक्सोस फादर, राइट? द केट बिलोंग्स टू अमित, केट किसकी है? अमित की, राइट? सो द आंसर इज अमित's केट। अ कोट बिलोंग्स टू मिस्टर अहमद, सो द आंसर इज मिस्टर अहमद's कोट, उसका है ना, तो जो ओनर है उसका नाम हम पहले लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी एस की शाइन आएगी, उसके बाद वो थिंग आएगी, ओके? सो आफ्टर कंप्लीटिंग रूल नंबर वन वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज ए। सो एक्सरसाइज ए में क्या है आप देख सकते हो, यूज एपोस्ट्रोफी एस टू शो पोजेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट? द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, सो here you can see that on the page number 22, right? Page number 22 पे क्या देखते हो? Exercise A. So first one is the book belongs to Janak. So find out the noun first. Noun क्या है? Janak, right? So Janak नाम हम पहले लिखेंगे, उसके बाद book. It means Janak's book, right? Number two. This scarf belong to Kavita. What is the noun of
सेंटेंस कविता राइट. सो हियर कविता पहले लिखेंगे एपोस्ट्रोफी एस. कविता की कौन सी चीज इस सेंटेंस में है? स्कार्फ राइट. सो द आंसर इज कविता's स्कार्फ. नंबर थ्री, दिस हैंडल बैग बिलोंग्स टू माय टीचर. सो नाउन माय टीचर. ओके, सो माय टीचर एपोस्ट्रोफी एस. इसके बाद कौन सी चीज उसकी है? हैंडबैग. सो हैंडबैग लास्ट में, माय टीचर्स हैंडबैग. नंबर फोर, दैट लैपटॉप बिलोंग्स टू माय मदर. व्हाट इज द नाउन ऑफ द सेंटेंस? माय मदर. ओके, सो माय मदर के बाद एपोस्ट्रोफी एस, आफ्टर दैट लैपटॉप, वो बिलोंग्स टू माय मदर. ओके, सो द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज, सॉरी फोर्थ सेंटेंस इज माय मदर्स लैपटॉप राइट. एंड द लास्ट वन इज दैट बाउल बिलोंग्स टू माय कैट. ये बाउल है वो मेरी कैट का है. सो नाउन क्या होता है? कैट. उसकी कौन सी चीज है? बाउल. सो हियर यू कैन सी दैट माय कैट एपोस्ट्रोफी इज बाउल. इट मींस टू माय कैट्स बाउल. ओके, आई होप एक्सरसाइज ए आपको समझ में आ गई होगी. आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज ए वी विल गोइंग टू लर्न रूल नंबर टू. इफ द प्लूरल ऑफ अ नाउन एंड इन एस. अगर एस से नाउन कंप्लीट होता है तो जस्ट एड एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर इट. हम क्या करते थे अभी तक? एपोस्ट्रोफी एस एड करते थे. फर्स्ट वन एपोस्ट्रोफी शाइन, आफ्टर दैट एड अल्फाबेट एस राइट. सो हियर इन द रूल नंबर टू इट्स क्लियरली सेड दैट एड ओनली एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस वर्ड. सम एग्जाम्पल आर गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक, सॉरी ग्रामर बुक. फॉर एग्जाम्पल अ गर्ल्स स्कूल राइट. सो हियर यू कैन सी दैट गर्ल्स तो दिया गया है राइट. सिर्फ क्या करना है? एपोस्ट्रोफी, सिर्फ शाइन. ओके, गर्ल्स दिया गया है तो सिर्फ शाइन लगेगी. उसके बाद टीचर्स डे, सो टीचर, टीचर्स एस दिया गया है तो ओनली फॉर शाइन. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट टू एग्जाम्पल आर गिवन. फर्स्ट वन इज गर्ल्स एंड सेकंड वन इज टीचर्स. लेकिन लास्ट अल्फाबेट एस है इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी की शाइन लगेगी राइट. आफ्टर दैट इफ द प्लूरल डज नॉट एंड विद एस वी एड एपोस्ट्रोफी एस. प्लूरल वर्ड है लेकिन उसके सॉरी द लास्ट वर्ड ऑफ द लास्ट अल्फाबेट ऑफ द वर्ड इज नॉट एस सो वी कैन एड एपोस्ट्रोफी एस राइट. सो उसके भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. अ चिल्ड्रंस फिल्म, चिल्ड्रन एक प्लूरल फॉर्म ही है लेकिन वर्ड है जो चिल्ड्रन उसका लास्ट अल्फाबेट एस नहीं है तो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा. अ वुमन्स मैगजीन, वुमन वर्ड इज ऑल्सो प्लूरल फॉर्म बट द एंड ऑफ द वुमन इज नॉट अल्फाबेट एस सो वी कैन एड एपोस्ट्रोफी एस राइट. सो द एग्जाम्पल ऑफ अ चिल्ड्रंस फिल्म एंड अ वुमन्स मैगजीन राइट. हियर अ येलो बॉक्स इज गिवन ऑन द पेज नंबर 22 राइट. रिमेंबर इट मींस यूजुअली वी यूज एस विद नाउन्स बिलोंगिंग टू पीपल और एनिमल. अगर पीपल और एनिमल की कुछ चीजें हैं तो हम एस लगाते हैं नाउन के बाद. ओके, फॉर थिंग्स प्लेस और आइडियाज वी यूज ऑफ. फॉर एग्जाम्पल द लेग ऑफ द टेबल, टेबल के पहिए होते हैं ना उसको हम ऐसे नहीं बुला सकते द टेबल्स लेग. नो इट्स नॉट करेक्ट, इट्स रॉन्ग वे टू से. द कैपिटल ऑफ स्पान, नॉट स्पान्स कैपिटल. ओके,
ओके सो एपोस्ट्रोफीज किस पे लगेगा? ओनली फॉर पीपल एंड एनिमल, राइट? हियर यू कैन सी दैट ज़ेनोस फादर, ज़ेनोस मदर, पीपल हुए कविता joining us.